तो फिल की फैमिली, अगर आपने आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखा है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि आज मैं टीम रॉक वर्सेस टीम ट्रिपल एच क्यों कर रहा हूँ। लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ भाई, इस साल का रोड टू रेसलमेनिया ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक चल रहा है। पहले रॉक वर्सेस रोमन होने वाला था, लेकिन अब कॉडी वर्सेस रोमन पार्ट टू होने वाला है रेसलमेनिया में। और आज ट्रिपल एच ने रॉक को भले ही नाम नहीं लिया लेकिन रॉक के कोट्स यूज किए हैं। तो ट्रिपल एच ने बिना रॉक का नाम लिए ये बोल दिया कि इट डजंट मैटर कि रॉक और रोमन को क्या चाहिए, मैं जो चाहूंगा वही होगा। और क्योंकि कॉडी ने रॉयल रंबल जीता है इसलिए कॉडी वर्सेस रोमन ही होगा रेसलमेनिया 40 में। और भले ही अब ट्रिपल एच की हार्ट कंडीशन की वजह से वो फाइट नहीं कर सकते, लेकिन रॉक और ट्रिपल एच का जब बहस होगा ना मजा आएगा देखने में। और रियल लाइफ में दोनों का मैच नहीं हो सकता तो क्या हुआ, गेम इसीलिए तो है भाई, सस्ता डब्ल्यूडब्ल्यूई इसीलिए तो मैंने खोल के रखा हुआ है। चलो देखते हैं किसकी टीम जीतती है। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर ट्रिपल एच फाइट कर सकते ना तो ट्रिपल एच वर्सेस रॉक होता रेसलमेनिया 40 में, और खतरनाक मैच होता। उस मैच में रॉक हील सुपरस्टार रहते और ट्रिपल एच फेस, और जो जीतता मतलब ऐसा हो सकता था, जो जीतेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंट्रोल उसके हाथ में। मजेदार मैच होता भाई। लेकिन फिलहाल दोनों ने एक एक फिनिशर एक दूसरे को लगा दिया है। अच्छा, रॉक के आने के बाद ना मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसा बोलते हुए, और न्यूज भी है कि रोमन ने अब सोलो की जगह ले ली है और द रॉक के वो पीछे पीछे खड़े हुए हैं। तो इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके मुझे बताना। नॉर्मल सबमिशन ने ट्रिपल एच टैप आउट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन रॉक के पास एक और फिनिशर है, दोनों के पास एक्चुअली एक एक फिनिशर है, और ट्रिपल एच भी ट्राई करे कि अपना फिनिशर जल्दी चिपका दे। अच्छा, रॉक का टकला अलग टाइप का लग रहा है, ट्रिपल एच का टकला अलग टाइप का लग रहा है। ट्रिपल एच का टकला ऐसा लग रहा है ना कि वो अभी तुरंत बाल छिलवा के आए, तो ये सेकंड फिनिशर लग रहा है रॉक को। इसके बाद एलिमिनेट हो गए रॉक, सेकंड फिनिशर पे इतना जल्दी निकल गए रॉक, और ट्रिपल एच ने एक फिनिशर भी छीन लिया। सोलो क्या गुंडा बनेगा तू, तेरा एक फिनिशर भी छीन लिया ट्रिपल एच ने, और अपने पास एक फिनिशर भी लेते आए। ट्रिपल एच चाहो तो टैग दे सकते हो, आपकी टीम आराम से जीत रही है। मैच के एक से डेढ़ मिनट के अंदर ही द रॉक को एलिमिनेट कर दिया, जो मेन आदमी थे। कोई नहीं, रोमन अभी भी है मैच पे, और सोलो भी आई थिंक अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए। ये देखो क्या कर रहा है, नॉर्मल सबमिशन दे रहा है बेयर हग। सोलो कुछ अच्छा कर ले यार, फिनिशर है या तो दे। नहीं, कॉडी की तरफ ध्यान देते रहेगा ना, इसकी वाट लगी। ट्रिपल एच आज फुल जोश में है, स्मैकडाउन देखा था ना, बोल दिया इट डजंट मैटर, नो योर रोल, सब रॉक के डायलॉग्स है। आई थिंक आप लोगों को पता ही है ट्रिपल एच बहुत अच्छा फाइट किया अभी तक। हाँ, अच्छा ही कर रहे हो कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को टैग दे दिया है। सेथ साथ दे रहे थे कॉडी रोड्स का, मुझे लग रहा था कि इन दोनों का शायद टीम मैच हो सकता है रॉक और रोमन के साथ, और हो भी सकता है, अभी क्या पता, अभी रेसलमेनिया आने में टाइम है। सोलो अच्छा जा रहा है, अगर एक समोन स्पाइक के बाद रोमन को टैग दे देता है ना तो शायद रोमन सेथ को एलिमिनेट कर पाए, लेकिन नहीं जाएगा टैग देने, जा रहा है टैग देने। सही में मैंने कल की वीडियो में बोला था कि मुझे लग रहा है कि रोमन वर्सेस रॉक हो गया, याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने से पहले बोला था, क्योंकि वीडियो मैंने रात में बनाई थी और ऐसा हुआ नहीं। मेरी काली जुबान का जादू देगा भाई, कॉडी वर्सेस रोमन अनाउंस हो गया है, भली अब ये मैच हो या ना हो लेकिन अनाउंस तो हो गया है ना। रोमन का ये बड़ा मस्त लगा भाई, सेथ के पीछे पड़ गया है वो, सेथ को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर रहे हैं, सेथ भी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ रोमन कभी कभी आते हैं काम करने, लेकिन रोमन की जोक्स ना सेथ पे ज्यादा फनी सूट करे, क्योंकि सेथ ऐसा कांड ही करते भाई, ऐसे जूते पहनने की क्या जरूरत है कि लोग मजाक उड़ाए। लेकिन ठीक है, सेथ मुझे पता है किसकी याद दिलाते हैं, बॉलीवुड के रणवीर सिंह की। सेथ ऐसा मत करो, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनते थे, सेथ को क्या हो गया है। नहीं देखो ऐसा नहीं है, कपड़े पहनना तो अपने अपने स्टाइल पर है, लेकिन ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में अजीब अजीब लोग कपड़े पहनने लगते हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हो और अब देख लो सेथ को, इतने अच्छे अच्छे जैकेट पहनते थे सेथ, अजीब अजीब टाइप का लेपर्ड प्रिंट और क्या क्या, कभी कभी अभी भी अच्छा अच्छा पहनते हैं, लेकिन सेथ का अटायर अब थोड़ा वियर्ड होते जा रहा है। जूते पे वो क्या लगा होता है, रिबन पहन के क्यों आओगे सेथ, वो भी रोमन के सामने, तो रोमन मजाक उड़ाएंगे ही ना। लॉर्ड भी 2K24 आने दो, मैं सोच रहा हूँ सेथ की जो यूनिक अटायर्स है ना वो सारे लगा दूंगा। ओके, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एक ही फिनिशर में, टाटा बाय बाय गुड बाय। सेथ क्या कर रहे हो, यहाँ रॉक दो फिनिशर में चले गए, सेथ एक ही फिनिशर में चले गए, रोमन आ चुके जोश में, और अब लग रहा है कि एक और एलिमिनेशन होगा, क्योंकि ट्रिपल एच को ऑलरेडी दो फिनिशर लग चुका है, एक रॉक बॉटम एक स्पीयर। और रोमन के पास भले अभी सिग्नेचर फिनिशर नहीं, रोमन ने डिसीजन भी अच्छा लिया है, सोलो फुल हेल्थ है तेरे पास, सिग्नेचर भी आने वाला है। फिलहाल मैच ड्रॉ चल रहा है, गया क्या कैमरामैन, ये क्या दिखा रहा, रोमन की पीठ नहीं देखनी, पेडिग्री दिखा दे मां कसम, ये कैमरा कट ऑफ कर देना चाहिए था ना, कैमरा कट के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अजीब दिखा देता है। 2K24 में ना वो पुराना WWE वाला कैमरा वापस आ चुका है, अपनी मर्जी पे चाहे तो चेंज कर सकते हैं मैच के दौरान भी, मतलब कमेंट्री टेबल के साइड से मैच को देख सकते हैं, मजा आएगा, वो बहुत टाइम हो गया वैसे देखे हुए नहीं।
मुझे पता है क्या लग रहा है कि 2K ना जानबूझ के धीरे धीरे करके ये सब फीचर्स अपने को दे रहे हैं। उनका ऐसा सोचना है कि हर साल तो गेम बनाना ही है, तो एक बार में अगर सब कुछ दे दोगे तो फिर अगले साल क्या करेंगे, क्योंकि ग्राफिक्स तो भाई अगले साल उतने चेंज नहीं होने वाले जब तक नेक्स्ट जेन गेम नहीं आए। और ये जो 2K24 है ये भी नेक्स्ट जेन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि PS4 पे भी आ रहा है तो नेक्स्ट जेन नहीं है। जब तक सिर्फ PS5 और Xbox X और PC पर नहीं आए तो नेक्स्ट जेन गेम नहीं है। तो 2K भी बहुत चालू है भाई, अगर सिर्फ कम कंसोल्स के लिए गेम बनाएंगे तो पैसे भी कम कमाएंगे, इसलिए वो अभी जब तक ये PS4 की लाइफलाइन है तब तक वो लोग भी गेम बनाते रहेंगे, देख लेना। और इसी वजह से अगर आप PC मॉड में 2K का गेम देखोगे ना, मैं कोशिश करूंगा कि 2K23 आने से पहले मॉड दिखाऊं आपको, उसके ग्राफिक्स है भाई, PC के अगर सारे मॉड वाले ग्राफिक्स डाल दिए ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रियल देख रहे हो या गेम देख रहे हो, सोचो ऐसे। और 2K भी चाहे तो वो बना सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, पैसे ज्यादा कमाना है तो भाई PS4 के लिए भी गेम बनाना होगा, और अगर PS4 के लिए गेम बनाना है तो उतना नेक्स्ट जेन ग्राफिक्स का नहीं बना सकते। तो इसलिए 2K ने दिमाग लगाया है कि आराम से धीरे धीरे करके सबको एक एक साल नया नया फीचर देते रहेंगे, ताकि गेम भी बिकते रहे और कोई कंप्लेन भी नहीं करे कि अरे ग्राफिक्स तो सेम टू सेम है। तो 2K ने अच्छा दिमाग लगाया और हम लोग भी बेवकूफी है भाई, तो क्या कर सकते। और अपने पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, 2K ही बनाते हैं, WWE का गेम तो जो वो कैसा भी बनाएंगे खरीदना ही पड़ेगा। सही है 2K, रोमन सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं है, ऐसे तो टाटा बाय बाय कर देंगे कॉडी रोड्स, दो दो फिनिशर प्लस फुल हेल्थ, रोमन एलिमिनेट हो सकते हैं। ये सेकेंडरी फिनिशर में आज लोग क्यों एलिमिनेट हो जा रहे हैं, रोमन को आई थिंक ये सेकेंडरी फिनिशर लगा था, सोलो भाई अब तो तू गया, अकेले बच गया है। और दोनों के पास एक एक फिनिशर है, कॉडी और ट्रिपल एच, अब कोई नहीं बचा सकता सोलो को इस मैच में, पता नहीं सोलो को कुछ ज्यादा ही अच्छा खेलना होगा, और ट्रिपल एच को तो ये एलिमिनेट फिर भी कर सकता है, कॉडी को कर पाएगा नहीं, नहीं अगर सिग्नेचर फिनिशर लगा दे शायद, क्योंकि आज लोग एक एक दो दो फिनिशर में एलिमिनेट हो जा रहे हैं भाई। चलो अब ये 2K23, अच्छा मैंने देखा है कि रैंप इतना अच्छा इंप्रूव कर दिया है ना 2K ने, और ये जो सारे साइड बोर्ड्स है ना इसको भी अभी वाले ग्राफिक्स जैसा बना दिया, तो चलो एटलीस्ट 8,000 लेंगे, तो इतना तो कर दिया है 2K ने, थैंक यू 2K, ऐसे बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए थैंक यू 2K। और ये अच्छी बात है ना कि 2K वालों को आई थिंक हिंदी नहीं समझ में आती होगी, क्योंकि अगर वो लोग सुन लेते कि मैं उनका गेम खेल के उनको क्रिटिसाइज करता हूँ तो भाई वाट लगा देते मेरी। और देखो क्रिटिसाइज करना बनता है भाई, पैसे दे के हम लोग गेम खरीदते हैं तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा तो तारीफ करेंगे, और जो कांड करते हैं जैसे सोलो कांड कर रहा है, 1-on-1 पे बात लेते आया है, पर टाटा सोलो का पिनफॉल रेजिलेंस है, सोलो इसीलिए तेरे को रेजिलेंस दी थी, यूज कर ले, क्योंकि गेम ने यूज भी नहीं किया, गेम ने इसको रेजिलेंस नहीं दिया था, मैंने दे दिया, चलो ताकि सोलो थोड़ा परफॉर्म करे, 1-on-1 पे बात लेते आया है, पर दिक्कत अभी भी है, कॉडी की फुल हेल्थ है भाई, ये दिक्कत है। तो अगर सोलो की किस्मत अच्छी रही कि कॉडी एक फिनिशर में एलिमिनेट हो गए तब जीत सकता है सोलो, वरना ना ही के बराबर चांस है भाई, भले ही 1-on-1 पे लेते आया लड़का, लेकिन कॉडी भी कॉडी है। लेकिन WWE फैंस ने भाई सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा तंग किया ट्रिपल एच और बाकी सब सुपरस्टार्स को कि कहानी चेंज करनी पड़ी WWE को। और देखो अब WWE भले ही बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हम लोग का शुरू से यही प्लान था, लेकिन ना 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 ऐसा कोई प्लान नहीं था, रॉक आए थे, रॉक को लगा नहीं था कि फैंस उनके खिलाफ हो जाएंगे और कॉडी रोड्स को इतना ज्यादा सब सपोर्ट करेंगे, और फैंस ने बोल दिया कि नहीं रॉक वर्सेस रोमन नहीं देखना है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर मिस्टर मैकमैन अभी भी रहते ना WWE में और वो जैसे चलाते थे तो फैंस कितना भी चिल्लाते रह जाते सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, ट्रिपल एच रॉक वर्सेस रोमन ही करवाते, कॉडी बीच में आते भी नहीं, कॉडी वर्सेस सेथ हो जाता बल्कि, और कॉडी को इतना फोकस मिलता भी नहीं, वो तो ट्रिपल एच है। पर उनका क्या है कि वो सोशल मीडिया को अच्छे से फॉलो करते और देखते कि फैंस को क्या चाहिए, इसीलिए देखा ना आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ट्रिपल एच आए तो फैंस कितना खुश थे ट्रिपल एच को देखकर, और थैंक यू भी चिल्ला रहे थे। और रॉकी सक्स भाई, रॉकी को तो अब मतलब रॉक को हील टर्न होना ही है, हो ही गया है रॉक, और लेकिन अब जो वो फैंस को सुनाएंगे ना, क्योंकि रॉक के लिए मैं वो जवान वाला डायलॉग बोलना चाहूंगा कि जब मैं विलन बनता हूँ ना तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो बस देखना ही है कि रॉक कॉडी रोड सेथ रॉलिंग्स ट्रिपल एच को और फैंस को भी सबको भर भर के क्या 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 सुनाते हैं, क्योंकि मॉडर्न एरा जब से आया है रॉक हॉलीवुड गए उसके बाद से रॉक कभी भी हील टर्न नहीं हुए, रॉक हमेशा फेस सुपरस्टार रहे, तो मजा आएगा। ये जो जर्नी है ना अभी रोड टू रेसलमेनिया की खतरनाक होने वाली, सोलो तो जिता सकता है अपनी टीम को, पर तेरे पास सिग्नेचर फिनिशर नहीं है, दिक्कत ये है, बाहर मत लेके जा, तेरा मोमेंटम बार बार आ रहा है, तू खड़ा क्यों हो जा रहा है सोलो, लेटा ही रहा था अभी तक तो अच्छा ही जा रहा था सोलो, लेकिन कॉडी के पास अब फिनिशर आ गया है, ऑलमोस्ट 2-3 लात और
बॉडी के पास आ जाएगा एक और क्रॉस रोड, सोलो का टाटा बाहर जा रहा है, सोलो बाहर मत जाइयो। हाँ ये कर सकता है, काउंटआउट से आराम से हरा सकता है सोलो, लेकिन कॉडी इतनी आसानी से हारेंगे, ये गया नीचे। फिर समझ लो कि यही मैच होता है कॉडी वर्सेस रोमन, जो कि अभी तो लग रहा है कि यही हो रहा है, और इसमें रॉक तो इंटरफेयर करेंगे, कुछ तो रॉक करेंगे। मुझे तो लगता है कि अभी भी लग रहा है कि रॉक का मैच ही होगा रेसलमेनिया में, या अगर मैच नहीं भी होता है तो हो सकता है कि रॉक इस मैच में रेफरी बन जाए। भाई ये भी आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि रॉक अगर रेफरी रहते हैं तब फैंस ये देखेंगे क्या कॉडी रोड्स को वो मतलब साथ देते हैं। ऑब्वियसली रॉक रोमनी का साथ देंगे ये तो पता ही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कॉडी रोड्स नॉर्मल मूव से जीत गए तो टीम ट्रिपल ने ची मैच जीत गई, सोलो ने अच्छी टक्कर दी, लास्ट अकेला बच गया था, अच्छा ही खेला। तो फेल की फैमिली जानते हो अच्छी बात क्या है, सिर्फ 23 डेज और बच गए WWE 2K24 आने में, क्योंकि 5 मार्च को ये गेम आ रहा है, मैंने बोल ही दिया आपको। तो इसलिए आजकल मैं डेली बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो, 23 दिन के बाद से ऐसे ऐसे कॉन्टेंट आएंगे ना भाई, क्योंकि 2K24 में ऐसे ऐसे मैचेस है ना, खास करके स्पेशल केस रेफरी मैच। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, टाटा में मिलता हूँ कल।